नमस्कार दोस्तों, अस्तुति इलेक्ट्रिक सेल्स एंड सर्विस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आप देख रहे हैं मेरे पास एक ओरिएंट कंपनी का कूलर है। दोस्तों कस्टमर कहना है कि सेट हमारा कूलर चलता है, अच्छा चलने में कोई तकलीफ नहीं है। क्या होता है, हवा भी घूम रहा है और हवा भी आ रहा है, केवल पानी फेंकता नहीं है। दोस्तों उसके बाद कुछ चेक करने हो दोस्तों, मैं एक बार कुछ समय दिखाता हूँ पहले कि हमारा कूलर चल रहा है नहीं चल रहा है। दोस्तों देखिए, आप देख पा रहे हैं हमारा स्विंग हो रहा है। और दोस्तों ओरिएंट के अंदर जो स्विंग मोटर होता है, डबल मोटर आता है, आप देख पा रहे हैं, हवा ऊपर भी होता है और नीचे भी होता है और दाएं भी होता है बाएं भी होता है। और बाकी किसी दूसरी कंपनी में इस तरह का स्विंग मोटर नहीं आता डबल, केवल ओरिएंट में ही आता है। और दोस्तों हमारा देखिए, दोस्तों देखिए हमारा चल भी रहा है फर्स्ट क्लास, चलने में कोई भी तकलीफ नहीं है। बस केवल दोस्तों इसका पंप चालू नहीं है। दोस्तों इसके पंप चेक करने के लिए अपने को पीछे कवर खोलना पड़ेगा। दोस्तों पीछे कवर खोलना है तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर तीन स्क्रू है और इसी तरह से यहाँ भी तीन स्क्रू है। और दोस्तों इसको मैं खोल लेता हूँ। और दोस्तों देखिए हमने स्क्रू खोल दिए हैं। दोस्तों आराम से सभी स्क्रू निकाल लेना, गिराना नहीं है, फिर आपको स्क्रू मिलेगा नहीं। दोस्तों अक्सर दुकानदार लोग क्या करते हैं, स्क्रू भी लगाए 20, फिर जब बाद में फिटिंग करके देंगे तो उसमें रहेगा 5, 6, 10, ऐसा नहीं करना आपको, सभी स्कूल लगा देना है। दोस्तों यहाँ तक कि मेरे दुकान में जो बच्चे काम करते हैं ये सब भी मास्टर हैं सामान घुमाने में, अब खोले तो घुमा देंगे। मैं लोग चिल्लाते हुए रहता हूँ लेकिन दोस्तों मेरी आदत है, मैं हमेशा एकदम अपने सामान को व्यवस्थित संभाल रहता हूँ और कभी इसको कम नहीं लगाता हूँ मैं। दोस्तों इसको आराम से अलग करना पड़ेगा। दोस्तों को तो हमारा ये आगे वाला कवर अलग होगा क्या, क्योंकि मैं कभी ये कूलर को खुला नहीं हूँ, मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन लगता है ऐसा कि आगे वाला कवर ही अलग हुआ इसका। दोस्तों देखिए मैंने कभी रिपेयर नहीं किया, लेकिन इसके बावजूद रिपेयर करने लिया हूँ और रिपेयर करूँगा भी। दोस्तों इसमें कुछ दिख नहीं रहा है खोलने के लिए, तो मुझे लगता है एक और खुद निकाल लेता हूँ और फिर देखता हूँ। कभी कभी क्या होता है, किसी किसी कूलर में अंदर से भी रहता है इसको, तो बता इसके अंदर से नहीं है। हाँ दोस्तों इसके अंदर भी स्क्रू है, तब तक इसको खोलना पड़ेगा। दोस्तों स्क्रू नहीं खोलते भी चलेगा, डायरेक्ट पंप निकाल लेता हूँ मैं। और दोस्तों पंप का जो वायर है उसको पूरा दिखाता हूँ निकाल के, उसको डायरेक्ट चेक कर लेता हूँ। अगर पंप का वायर मेरा पंप ख़राब है, डायरेक्ट पंप डाले पूरा खोने जरूरत नहीं है। दोस्तों पंप के अंदर दो स्क्रू है, तो आपको अंदर स्क्रू दिखेगा नहीं, लेकिन खोलता फिर वो दिखाता हूँ। दोस्तों पंप के तो सिर्फ दो स्क्रू रहता है, बस उसको खोल दे रहा है। दोस्तों खाली दो ही स्क्रू खोलने का है, तो इसलिए मैं पूरा खोल देना हो तो फिर काम बढ़ेगा। तो जितना हो सके काम को कम निपटा देना है, ऐसा नहीं कि जरूरत नहीं है अपने को तो भी खोल खोल के काम बढ़ाए। हाँ दोस्तों देखिए हमारा ये पंप है। दोस्तों क्या करें, पहले इसको पाइप निकाल दें, एक बार मोटर को निकाल के बाहर चेक कर लेंगे हमारा कूलर का पंप ख़राब है क्या। दोस्तों का पाइप ना निकलता हो तो उसके क्या करें, एक टेस्टर को इसमें घुसा दें एक बार, ये निकल गया आराम से। फिर दोस्तों क्या करना, पंप चेक करने का है तो ब्लेड से इसको कट कर लें। ऐसे पंप खराब ही है, फिर भी आपको चेक कर लेना चाहिए पंप डालने से पहले ही। इसके इस तरह से मैं चेक करता हूँ हल्का सा ये ब्लेड से, इस वायर को फाड़ लें और फाड़ के दोनों वायर बाहर आ जाएंगे। दोस्तों देखिए दोनों बार बाहर आ गए। अभी क्या करना है, इसे कैंची से हल्का सा कट कर देना है। दोस्तों कट आगे पीछे करना है, अगर टेप मारना पड़े तो आप टेप मार सके आराम से।
तो इसलिए कड़ा का आगे पीछे करना है, सामने सामने करना है। फिर दोस्तों अपने वायर से इसको चेक कर लें कि पंप सही ख़राब है। हाँ दोस्तों हमारा पंप बता नहीं रहा बिल्कुल भी, हमारा पंप भी ख़राब है। दोस्तों पंप नहीं रहा, दोस्तों पंप ना करने के लिए क्या करना है, आपको डायरेक्ट यहीं से कच करके कट करके टेप लगा देना है, पूरा खोलने की जरूरत नहीं है। दोस्तों मैं कट करता हूँ, और दोस्तों देखिए हमारा ये मोटर है, दोस्तों उसकी जगह मैं ये मोटर लगा दूँगा यहाँ। तो इस पाइप को इस तरह से ले, इसमें ऐसे घुसा दें। दोस्तों फिट करने से पहले आप इस पंप को चेक कर लें, कभी कभी क्या होता है नया पंप भी ख़राब आता है, तो इसको चेक कर लें। हाँ दोस्तों हमारा पंप चालू है। फिर दोस्तों क्या करें, आप इसको इसके अंदर टेप लगा दें। और दोस्तों में इस रेड ब्लैक से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि दो ही वायर है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। दोस्तों क्या करें, इसको टेप मार दें। दोस्तों टेप हमेशा अच्छी क्वालिटी वापरें, चालू टेप ना वापरें। चालू टेप क्या होता है, दोबारा कभी खुलना पड़ेगा, जल्दी खुलता नहीं है, तो उसके लिए आपको चालू टेप नहीं वापरना है, हमेशा टेप अच्छे क्वालिटी ही वापरें। अब दोस्तों इस पंप को अगर आप चाहें तो ऐसे ही डाल दें उस टाकी के अंदर, तो भी कुछ होता नहीं है, ऐसा नहीं आपको फिटिंग करना है। दोस्तों देखिए मैं लग तो गया है, अभी आपको क्या करना है, टेप ही तो अच्छे से मार देना है ताकि आपका पानी इस टेप के अंदर जाने ना पाए। ऐसे दोस्तों इसके अंदर पानी टेप के अंदर जा नहीं पाएगा, तो उसकी बनावट जो है बड़ी ज़बरदस्त है। आप देखिए एक कूलर को अंदर से कितना साफ़ सुथरा है, एकदम टनटन है। लगता है जो ग्राहक ऑफर रहा है ये हमारा, तो कस्टमर बहुत सब सभी अच्छा रहता है, बिल्कुल भी गंदगी नहीं इसके अंदर, काम करना अच्छा लग रहा है। और कितने सारे कस्टमर कूलर ऐसे आते हैं कि हाथ लगाने मन नहीं करता है, ऐसा लगता है कि ना रिपेयर तो ना रिपेयर करें तो अच्छा है, इतने गंदे भी रहते हैं। अब दोस्तों मैं टेप लगा देता हूँ। दोस्तों टेप तो लगा दिया हमने, फिर उसके बाद आपको पाइप लगा देना है। दोस्तों पाइप लगा के फिर एक क्लिप लगा देना है। दोस्तों फिर से आपको इस मोटर को उसके अंदर डाल देना है और उसको फिट करना है। दोस्तों मैं मोटर को डाल के फिट करता हूँ दोस्तों, ताकि वायर आपको लटका ना हो। दोस्तों आपको इसके अंदर मैं कुछ दिखा नहीं पाऊँगा, क्योंकि इसके अंदर मेरा हाथ जा रहा है, तो आपको दिख नहीं रहा हो कुछ भी। लेकिन एक तरीका है कि अगर पंप ख़राब हो जाए तो ज़्यादा खोल खाल ना करें, डायरेक्ट पंप को बाहर निकालें, वहाँ से बाहर कुछ छिल के देख लें कि पंप चालू कि नहीं चालू है। अगर पंप ख़राब है तो डायरेक्ट पंप डाल दें बस। दोस्तों ने पंप लगा दिया, फिटिंग कर दिया है। अब दोस्तों क्या कि जितना आपने इसको खोला सब फिटिंग कर लें। दोस्तों मैं सब इसको फिटिंग कर लेता हूँ। और दोस्तों कभी वारंटी का कूलर रहेगा और पंप ख़राब है तो आपको इसमें कोई स्क्रू खोलने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट पीछे वाला फ्लैप निकाल दें, और फ्लैप निकाल के ही आपका सारा काम हो जाएगा। और दोस्तों मुझे आइडिया नहीं था, मैंने कभी बनाया नहीं था इस कूलर को, तो उसके लिए मैंने ज़्यादा खोल खोल किया, बाकी आपको खोलने की जरूरत नहीं है। दोस्तों ये लगा दें, उसके बाद आपको आपका हनी पेट बोलते हैं क्या बोलते, ये लगा दें आप लोग। फिर दोस्तों बाद में क्या करना है, जेल लगा देना है। दोस्तों क्या करें, एक बात चेक कर लें, काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। हाँ देखो पंप चालू है।
दोस्तों देखिए कि केवल पंप चालू है, बाकी समय सब बंद कर दिया है। दोस्तों देखिए पंप बंद कर दिया, आवाज़ बंद हो गया, पंप चालू किया, पंप चालू है ये, और फिर हमारा ये स्विंग मोटर चालू है, और फिर दोस्तों हमारा ये पंप चालू कर। दोस्तों भी सीरीज में ये दोस्तों इस तरह से आप भी पंप बदली कर सकते हैं। दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, और साथ ही दोस्तों अभी तक आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही दोस्तों बेल आइकन दबा लें ताकि डाले वीडियो में उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। दोस्तों कुछ समझ में आए तो कमेंट करें, मैं आपकी पूरी सहायता करूँगा। दोस्तों आप लोगों ने मेरा वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।